अच्छा फरूख भाई, जी क्या बात में अदा करूँगा, लेकिन एक अभी मामला ये रहा कि हम तो पता नहीं किस फ्लो में रहे, सुर बदलने पड़ते हैं बात करने के लिए और गाने के लिए। तो शुक्र है बात सुर तक है, कपड़े बदलने होते तो बड़ा मुश्किल। अच्छा अब क्योंकि हमने अभी फनकारों की बात की, इशरत ने, आसिफ सलीम ने और आप लोगों ने भी, तो ऐसा करते हैं कि आज की खूबसूरत और यादगार शाम का उसका मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी यादगार, क्योंकि आइंदा आप लोग ऐसी महफिल शायद अटेंड ना करें, तो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ एक ऑब्जर्वेशन से। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और सही बात है। इशरत भाई, पॉलिसी बनती और ख़त्म होती होती रहती है। पॉलिसी का एहतराम करना लाजिम है, अगर एहतराम ना किया जाए तो कोई भी लोहे की सलाखों के पीछे जा सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा शरीफ लोग पॉलिसी का एहतराम करते हैं। पॉलिसी अगर टीवी हुकाम के दफातर में बनाई जाती है तो वो ड्रामे और हर तरह की चीज़ जो टीवी पे दिखाई जाती है उसके हदूद का तायुन करते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के पास पैसा हो या ना हो, पॉलिसी पैसा है। कासिम जलाली आप लोग जानते होंगे, वो हमारे बहुत मायनास प्रोड्यूसर हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। कासिम जलाली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने ड्रामा लिखना सीखा है, मेरी एतराफ़ करूँ, अल्लाह उनको सलामत रखे। उनका सिर्फ ये एहसान नहीं कि उन्होंने मेरे रहनुमाई की या मुश्तक टीवी के दरवाजे खोल दिए, बल्कि उनका सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने मुझको टीवी पॉलिसी से नबर आजमा होने का सलीका सिखा दिया। अब ये मुख्तसर सी बात है मेरी भाई, एक ड्रामे की किसी सीन पर उनको एतराज़ हुआ, हम दोनों स्क्रिप्ट लेके बैठ गए, सर पकड़े बैठे थे, यार सरवत इसको बदलना होगा। जलाली भाई ने बड़े संजीदा थे, मगर क्यों जलाली भाई, ये तो बहुत अच्छा मंजर है, सादिया इसको कर भी देगी बहुत अच्छा, आप जानते हैं किस कदर वो बेहतरीन अदाकार है। बेटा वो ठीक है, मगर हम हीरोइन को बिस्तर पर लेटा नहीं दिखा सकते। ये देखो शेर 190 और इसकी बारीकी, जलाली साहब पॉलिसी मुझको बता रहे। मैंने कागज देखा, बिस्तर मना है ना, चटाई पे लिटा दे। मैंने मदद करते हुए कहा, यार बेवकूफ आदमी हो, अमीर आदमी के घर चटाई कहाँ होती है। कासिम भाई ने बड़ी उदासी से कहा, फिर वही बात है, हम उसको लेटा नहीं दिखा सकते। उफ, किस कदर अहमकाना पॉलिसी है जलाली भाई, हीरोइन है तो भैंस थोड़ी है, गर्भ खड़ी है बैठी रहे। मैंने गुस्से से कहा, यार जो भी है काम तो निकालना है किसी तरीके से, कुछ तुम सोचो मैं सोचो, हम दोनों सोचते हैं। मेरा दिमाग काम करने लगा। जलाली भाई एक आइडिया है क्या? जलाली भाई भी खुश होकर मुझको देखा, जलाली भाई ऐसा करते हैं, सादिया को और चिखाने ले आते हैं। मैंने एतमाद से कहा, तो उससे क्या होगा, बिस्तर पे लेटा मना है ना, मैंने एक हल निकाला है। बोले क्या? मैं सादिया को बारचखाने ले आता हूँ, फिर थकावा दिखाकर मैं वही बारचखाने में उसको लुड़का देता हूँ। कासिम जलाली ने उसको सीने से लगाया। बाद में ये ड्रामा पॉलिसी की नज़र ऐसा हुआ कि जब आवाम ने ये ड्रामा देखा तो हीरोइन को कैंसर की मरीजा देखा और बिस्तर पर लेटने का हर मंजर अस्पताल का था। उस वक्त तक पॉलिसी में मरीजा को लेटे दिखाने में कोई एतराज नहीं था। ड्रामा क्या चला, सेंसर वाले जग गए, किस्त रात को ऑन ये हुई, सुबह हुक्म जारी हो गया, आइंदा अस्पताल में मरीजा को लेटा दिखाना मना है। राइटर और प्रोड्यूसर को 5 साल की जेल और 15,000 जुर्माना होगा अगर आइंदा किसी ड्रामे में ये मंजर दिखाया। आप ये कर सकते हैं कि मरीजा को अगर अस्पताल ले जाना है तो अगले सीन में सहतियाब करके रुख्सत कर दें। अस्पताल में दाखिले के फौरन बाद कमर्शियल ब्रेक डालें और ब्रेक खत्म होने पे या तो उसको डिस्चार्ज करते हुए दिखाएं या फिर उसका जनाजा दिखाएं। और ख्याल रहे अगर हीरो का किसी और से इश्क दिखाना कहानी की मजबूरी है तो नया इश्क कम से कम चेलुम के बाद शुरू हो। हमें
हमें माशरे को तबाही से बचाना है। माशरे को तबाही से बचाने के लिए हमारे काम क्या क्या करते हैं उसका अंदाज़ा मुझको और मोहतरम भाई कासिम जलाली को है और ये तजुर्बा मुझे टी वी से। फौतीन हज़रात, आप सब के तहम्मुल और बर्दाश्त का बहुत बहुत आपने मोहब्बत दी, मैं इसका तहे दिल से मशकूर हूँ और मेरे ये लोग मेरे मेज़बान हैं इनका भी बहुत शुक्रिया अदा मैं कर रहा हूँ। एयान प्रोडक्शन के CEO भाई शाहिद बेग और देर से आए, यहाँ बैठे हुए मगर उनके बेटा साथ जो है वो ये हमारे पास शुरू से इन्होंने मेरे और अदब के लिए अपनी खिदमत पेश करने की ख्वाहिश जाहिर की और हमारे अगले स्टेट ड्रामे pakistan.com के भी ऑफिशियल वीडियोग्राफर एयान प्रोडक्शन ही ये तमाम ये तमाम लोग खुद फनकार लोग हैं। नायब उस्मानी आप भी आएंगे, ये तमाम लोग खुद फनकार लोग। अभी आपने सुना आसिफ सलीम ने बताया कि हमने फ़न का आर्ट फोरम भी फ़न और ज़बान के लिए बनाई। हमें देखना ये है कि इस तरह के कामयाब, मैं कामयाब नहीं कह रहा हूँ, कामयाब फनकार किस तरह अपना फ़न जारी रख सकते हैं। नज़र ये आता है कि इनको हमारी हौसला अफजाई रखा। शिकागो शहर में जब अमीन हैदर फर्रुख इशरत अल्लाह दत्ता नायला उस्मानी आसिफ शहर आसिफ बैठे तो फिर यहाँ उमदा अरबी महफिल फन मौसीकी क्यों सकते हैं, इस पर जमूद क्यों है, हम क्यों इसके फरोग के लिए कुछ काम नहीं कर रहे, इस सवाल का जवाब हमको तलाश करना होगा। अगर हमने जवाब तलाश कर लिया तो फिर मैं आने वाले अदब का मौसम, फन का मौसम, मोहब्बतों का मौसम देख रहा हूँ। उर्दू जिंदाबाद, हिंदी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। कि जिसे ले गई है अपनी हवा वो बरक था दिल की किताब का, जिसे ले गई है अपनी हवा वो बरक था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिटा हुआ कहीं आंसुओं से लिखा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। एयान प्रोडक्शन ने जो खिदमत हमारे लिए पेश की ये सब कॉम्प्लीमेंट्री था, इसके कोई मुआवजा ने हमसे चार्ज नहीं किया है और बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है कि कश्मीरी वीडियोग्राफी करवाई जाए। तो इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करें और आप सबों का शुक्रिया अदा करें, तो जाहिर है कि सबसे पहले हमसे कहा गया था कि वो वोट ऑफ थैंक्स, तो जाहिर है कि सबसे बड़ा जो शुक्रिया हम किसी को अदा कर सकते हैं वो आप लोग, तो अगर आप लोग नहीं आते तो ये हवा पता नहीं कैसा लग रहा होता, गधे बोलते होते गधे भी लाना मुश्किल होता है। और उसके अलावा उर्दू इंस्टीट्यूट और फनगा और आयान प्रोडक्शन, इस सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। सरो तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लिखते हैं माशाल्लाह। और भाई दिल से तो कह रहा हूँ, इतनी मिस कॉल और वो सारी कॉल्स आ रही हैं हमारे पास पर, तो सरवत जहा साहब, इशरत अलंता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे मुस्तकिल साथ रहे। हसन हाशि साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन ताल हमें मुहैया की उन्होंने। अनिला नक्कल साहब, आपने हमारे लिखा हुआ। अनीता नक्कल साहब, वो उन्होंने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और महमूद निहाज साहब और साउंड सिस्टम, इंशाल्लाह आइंदा और ज़्यादा अच्छी साउंड आप हमें प्रोवाइड करेंगे। आसिफ सलीम साहब और नायला उस्मानी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आयान प्रोडक्शन फिर से और नजा फखरुद्दीन और तहा खान, इन्होंने हमें फोटोग्राफ्स की फोटोग्राफी की हमारे लिए। उसके अलावा वो तमाम खवातीन जिन्होंने सर जोड़कर बहुत सारे फैसले किए और बड़े अहम फैसले किए और बहुत सही फैसले किए जो हमसे सही नहीं होते, वो ये कि ये खाना वगैरह जो यहाँ पे सर्व किया गया उसका उसकी मकदार का तयन, ये सब इन्होंने आपस में मिलकर किया। तो मिसेस अमीन, मिसेस जोहा हमारी अपनी अहलिया और शब्द लता साहब की, इन सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ